दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूँ। देखिए हम लोग डेली नए नए टॉपिक के साथ चर्चा करते हैं। जो हिंदी विषय से सवाल आएंगे ना वो टोटल 6 चैप्टर ही होंगे, 6 के अलावा 7वां चैप्टर नहीं पूछा जाता है। इसलिए लगातार सप्ताह के 6 अलग अलग दिनों में हम लोग अलग अलग चैप्टर पर डिस्कस करते हैं। और जो सबसे कठिन अभी तक आपको लग रहा था वो चैप्टर था विशेषण विशेष्य, लेकिन अब वो चैप्टर बहुत आसान बन चुका है और कठिन की तरफ हम चल रहे हैं। तो पर्यायवाची शब्द मैं मानता हूं दोस्तों, अगर कुछ कठिन है तो पर्यायवाची शब्द। देखिए विलोम शब्द भी बहुत आसान है, उससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। तत्सम तद्भव जरूरत से ज्यादा आसान है। विशेषण विशेष्य को तो आप देखते इनकाउंटर कर देते हो, ऐसे सवालों से आपको डर लगता ही नहीं है। वर्तनी शुद्धि वाक्य शुद्धि में ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जिस पर आपने कभी चर्चा न किया। आपके सामने ऐसे सवाल ही नहीं बचे हैं जो नए दिख रहे हो, ठीक है, तो वो भी बहुत आसान सा है। उसके बाद बचता है आखिरी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बहुत सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित सवालों को हमने कराया, तो पर्याप्त शब्दकोश आपके पास तैयार हो गया। अगर कुछ कठिन है तो है पर्यायवाची शब्द, जिसे आप आसान मानते हैं लेकिन मेरी निगाह में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है दोस्तों? क्योंकि एक ही शब्द के अलग अलग जो है नाम हो सकते हैं, उन नामों को आपको समझना पड़ेगा। तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि 5,000 सवाल के 250 जवाब। जी हाँ दोस्तों, हर सवाल पे मैं कम से कम 5 जवाब आपको दूंगा। इस तरह से 5 जवाब जब आप जोड़ेंगे तो 50 × 5, 5 × 25 यानी 250 सवाल जवाब आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप क्लास में जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। पर्यायवाची में मेरी कोशिश यही है कि घिसे पिटे सवालों पर मैं चर्चा ना करूं, आपको नए सवालों की तरफ लेके जाऊं, ठीक है। तो आप देखेंगे आज की क्लास में तो नए सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। बाकी मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए हिंदी का एक बैच लॉन्च किया गया, बहुत कम प्राइस में दोस्तों ये बैच है। 395 रुपये, कुछ नहीं है दोस्तों, 500 रुपये भी नहीं है, ठीक है। 395 रुपये में आपको बैच दिया जा रहा है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे मैं कहूंगा कि आप हिंदी इंडिविजुअल बैच ज्वाइन कर लो, एक बार हिंदी पढ़ो, भारत का कोई भी एग्जाम हो आगे आपको रुकने और पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए पहला सवाल थोड़ा सा लीक से हटकर है। मैं इस सवाल को लिख सकता था कि बिजली का पर्यायवाची क्या है, लेकिन मैंने जानबूझ के चपला लिखा, क्योंकि परीक्षा में अब थोड़ा सा एग्जामिनर जो है वो इस तरह के सवाल पूछने लगे, ठीक है। तो बिजली न देकर, हालांकि बिजली को ही चपला कहा जाता है, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, चाहे बिजली लिखा हो चाहे विद्युत लिखा हो, इसको ही चपला कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह इसे और क्या कहते हैं दोस्तों, इसे दामिनी भी कहते हैं, इसे सौ दामिनी भी कहते हैं। दामिनी भी इसी को कहते हैं और सौ दामिनी भी विद्युत का ही दोस्तों अलग अलग नाम है, ये आप याद रखिएगा। आप एक शब्द सुनते होंगे तड़ित झंझा, ठीक है। तो तड़ित झंझा तो जो आसमान से बिजली गिरती उसे कहा जाता है, आंधी तूफान को, ठीक है। लेकिन इसमें जो तड़ित शब्द है ये किसे डिनोट करता है, ये बिजली को डिनोट करता है। तो देखिए कुल 5 पर्यायवाची मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, करा सर क्षुद्र माने क्या होता है? क्षुद्र लोग कहते हैं बड़ा क्षुद्र मानसिकता का, ठीक है। क्षुद्र मतलब होता है नीच, ठीक है, नीच। या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, अधम, या क्या कह सकते हैं दोस्तों, पापी, या फिर क्या कह सकते हैं दोस्तों, नगण्य, ठीक है, जिसकी कोई गणना ही ना हो उसे तो क्षुद्र कहा जा सकता है। नगण्य कह सकते हैं हम इसे, दरिद्र कह सकते हैं हम इसे, महत्वहीन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, महत्वहीन। देखिए पर्यायवाची शब्द के अलग अलग मायने, हर शब्द अलग अलग जगह पर अपनी उपयोगिता के हिसाब से यूज किया जाता है, इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा। मेरे साथ साथ बोलिए, प्रयास कीजिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि जल का पर्यायवाची क्या है, ठीक है। तो जल को क्या कहते हैं दोस्तों, जल को नीर कहते हैं, जल को तोय कहते हैं, जल को पानी कहते हैं, जल को खीर कहते हैं। देखिए खीर को खीर भी कहते हैं, जल को भी कहते हैं, ठीक है। जल को और क्या कहते हैं, सरिस कहते हैं, क्या, सरिता मत कहे, सरिता नदी को कहते हैं। सरिस माने क्या हो जाता है दोस्तों, जल होता है। सर्वमुख आपने नहीं सुना होगा, सर्वमुख, जल को सर्वमुख भी कहते हैं, जल को संबर भी कहते हैं, ये आपके लिए नया शब्द होगा ना, संबर, ठीक है, याद रखिएगा। जल को मेघ पुष्प कहते हैं, बादल की वर्षा होती है ना छोटी छोटी बूंदों के रूप में, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मेघ पुष्प कहा जाता है। सर आप जैसे पढ़ा रहे हैं ना, ऊपर 5 जवाब दिया, नीचे 6 जवाब दिया, और नीचे आए तो 7-8 जवाब दे दिया। सर ऐसे तो जवाब 250 के क्रॉस हो जाएगा। हाँ 250 से अधिक जवाब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कब, जब आप रुक कर देखेंगे सीखेंगे तब ना। मैं चाह अब सोचिए, इसी एक स्क्रीन पर आपको 25-30 जवाब आपको मिल जा रहे हैं, इसमें से कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है जीभ का पर्यायवाची आपको बताना है। तो जीभ का पर्यायवाची क्या दोस्तों, जीभ को क्या कहते हैं, जीभ को कहते हैं जिह्वा, ठीक है, जीभ को कहते हैं रसना,
जीव को कहते हैं रसज्ञा, ध्यान दीजिएगा रसना भी कहते हैं और रसज्ञा भी कहते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, जीव को कहते हैं, देखिए एक शब्द आप सुनते होंगे वाणी, वाणी सुनते हैं ना, वाणी आवाज को कहा जाता है, वाणी आवाज को कहा जाता है और वो जीव के माध्यम से ही निकलता है दोस्तों, तो वो भी आप याद रखेगा। ठीक है, इसके अलावा जीव को कहते हैं चंचला, चंचला, ठीक है, चंचला, ठीक है, और वाचाल, कहीं कहीं पे लिखा होता है वाचाल, लेकिन वाचाल का मतलब होता है अधिक बोलने वाला, ठीक है, स्टार लगा दीजिए, वाचाल को भी जीव कहा जाता है लेकिन अधिक बोलने वाले के लिए शब्द यूज किया जाता है वाचाल। ठीक है, और आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल दे रहा है जीव को क्या कहते हैं, जीव, सर वो सजीव और निर्जीव वाले की बात करें, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ, सजीव मतलब ऐसे जीव जिसके अंदर प्राण हो, जो गति कर सकते हैं, ठीक है, और निर्जीव मतलब जिसके अंदर जान ना हो, ठीक है, तो याद रखिएगा प्राण नहीं होता तब उसे निर्जीव कहते हैं, तो जीव को क्या क्या कह सकते हैं, जीव को क्या कह सकते हैं दोस्तों, अब देखिए जीव को लेकर के बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर जीव को जान कह दे, प्राण कह दे, नहीं वो तो आत्मा प्राण अलग विषय हो जाएगा, यहाँ पे जिस जीव की बात कर रहा है वो देखिए क्या मानव भी एक जीव है, सर ऐसे तो मानव हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, या फिर एक कोष की बहुत ऐसे तमाम जीव होते हैं, उनको छोड़िए, याद रखिएगा इस जीव को हम अपने भाषा में क्या कह सकते हैं, प्राणी, वो उसके वर्गीकरण की आप बात करें, ठीक है, यहां जीव का मतलब क्या हो जाएगा, प्राणी हो जाएगा, जीव का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, चैतन्य हो जाएगा, हां चैतन्य किसका पर्यायवाची है, यह जीव का पर्यायवाची है, इसे आप याद रखिएगा, आप जो भी प्राण बोल रहे थे ना, प्राण जान, ये भी आप लिख सकते हैं, यह भी एक तरह से दोस्तों जीव का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची, प्राण हो गया, जान हो गया, या जीवन हो गया ना, जीवन हो गया, सब किसके पर्यायवाची दोस्तों, ये जीव के पर्यायवाची हैं, तीसरे भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, और आगे बढ़िए, कह रहा है जगत को क्या कहते हैं, जगत में हमेशा हलंत जरूर लगाएगा, त पे हलंत लगेगा, ठीक है, जगत को क्या कहते हैं दोस्तों, जगत को क्या कहते हैं, विश्व कहते हैं, जगत को क्या कहते हैं दोस्तों, जगत को संसार कहते हैं, आप कहते हैं ना कि इस विश्व में, इस जगत में, इस संसार में, इस वर्ल्ड में, वर्ल्ड यानी दुनिया में, ठीक है, वर्ल्ड का मतलब क्या हो जाता है, दुनिया, तो ये सब दोस्तों एक तरह से जो कुछ आप पढ़ते हैं यही पर्यायवाची है, एक चीज का स्थान पर उसे हम और क्या क्या लिख सकते हैं, वही लिखना भव, आप कहते हैं ना कि हे ईश्वर हमें आप इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम इस भव सागर को पार कर जाएं, भव मतलब जगत रूपी सागर, सागर मतलब संसार, जगत रूपी संसार को पार करने की बात की जा रही है, तो यहां भव याद रखेगा, जगत से याद रखेगा, जग भी कहा जाता है, लोक भी कहा जाता है, लोक, लोग नहीं लोक, ठीक है, आप कहते हैं ये लोग, ठीक है, और इसी लोक को दोस्तों मृत्यु लोक भी कहा जाता है, ठीक है, नर्क लोक दोस्तों ये क्या है, यही नर्क लोक है, यही मृत्यु लोक है, ठीक है, तो ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, ये सब विश्व जगत दुनिया संसार का पर्यायवाची है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जंगल को क्या कहते हैं, तो जंगल को क्या कहते हैं दोस्तों, जंगल को अरण्य कहा जाता है, जंगल को वन कहा जाता है, जंगल को विपिन कहा जाता है, जंगल को कांतार कहा जाता है, जंगल को अटवी कहा जाता है, बताइए ये सब किसके नाम है, ये सब दोस्तों जंगल के नाम है, इसे आप याद रखेंगे, कहीं कोई डाउट, कोई डाउट नहीं ना, आराम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। झंडा का क्या हो जाएगा दोस्तों, झंडा को देखिए ध्वज भी कहा जाता है और झंडा को ध्वजा भी कहा जाता है, दोनों होता है, इसी तरह से झंडा का एक पर्यायवाची केतु भी होता है, एक पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, पताका होता है, ठीक है, तो केतु हो गया, पताका हो गया, ध्वज हो गया, ध्वजा हो गया, निशान हो गया, निशान, हाँ निशान हो गया, ये किसके पर्यायवाची हैं, ये सब झंडे के पर्यायवाची हैं, परीक्षा में यह भी पूछा जाता है। ठीक है, तलवार को क्या क्या बुलाते हैं भाई, तलवार, तलवार को क्या कहते हैं दोस्तों, तलवार को खड़क कहते हैं, ठीक है, तलवार को असी कहते हैं, ठीक है, तलवार को और क्या कहते हैं, चंद्रहास कहते हैं, क्या कहते हैं, चंद्रहास, ठीक है, तलवार को कृपाण भी कहते हैं, हालांकि ये छोटा तलवार होता है, ठीक है, लेकिन कृपाण भी कहते हैं, ठीक है, इसे करवाल भी कहते हैं, करवाल, और इसे असी भी कहते हैं, अस्थिलिप्शिकाओं, खड़क भी कहते हैं, कृपाण कहते हैं, करवाल कहते हैं, सब दोस्तों पांच हो गया ना, तो ये सब दोस्तों तलवार का पर्यायवाची हो जाएगा। इसी तरह से तरुड़ी किसे कहते हैं, सोच समझ के बताइए, तरुड़ी, ठीक है, तरुड़ी, तरुड़ी याद रखेगा दोस्तों, तरुड़ी जो होता है, तरड़, अच्छा देखिए एक होता है तरड़ी, तरड़ी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुतेरे, तो क्या होता है दोस्तों, वो लिखा रहता है तरुड़ी, क्या लिखा रहता है, तरुड़ी, और जो तरुड़ी शब्द है यह किसके लिए होता है दोस्तों, यह नौका को कहा जाता है, नौका मतलब नाव, जलयान, ठीक है, पानी वाली जहाज, जबकि जो तरुड़ी दिया है, याद रखेंगे, अगर एक शब्द लिखता तरुड़, क्या लिखता दोस्तों, तरुड़,
तो तरुण किसे कहते हैं दोस्तों, तरुण युवक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? युवक को। इस हिसाब से देखा जाए तो जो तरुणी शब्द है यह किसे कहा जाता है दोस्तों, यह युवती को कहा जाता है, ठीक है, युवती को कहा जाता है, लड़की को कहा जाता है, ठीक है, लड़की। अब देखिए आप यहां पे महिला मत कर दीजिएगा, महिला, नारी, स्त्री, वनिता, ये सब दोस्तों अलग हो जाएगा, आपको तरुणी का बताना है, ठीक है। तो इसे और क्या कहते हैं, इसे मनोज्ञा कहते हैं, ठीक है। देखिए ये शब्द कुछ नया सीखे भाई, हर बार घिसा पीटा चलेंगे पढ़कर तो कैसे काम चलेगा। इसे मनोज्ञा कहते हैं, इसे सुंदरी कहते हैं, इसे यौवनवती कहते हैं, क्या कहते हैं, सुंदरी कहते हैं, इसे यौवन यौवनवती कहते हैं, ठीक है, यौवन को धारण करने वाली यौवनवती, इसे रमणी कहते हैं, रमणी, ठीक है, रमणी। ये सब दोस्तों किसका पर्यायवाची मैं बता रहा हूं, ये सब मैं लड़की यानी तरुणी यानी युवती का पर्यायवाची बता रहा हूं। आप कुमारी भी कह सकते हैं, हालांकि कुमारी का मतलब होता है ऐसी लड़की जिसका विवाह न हुआ हो, उसे कुमारी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तालाब को क्या कहते हैं दोस्तों, तालाब को सर कहा जाता है, तालाब को दोस्तों सरोवर कहा जाता है, तालाब को पुष्कर भी कहा जाता है, हालांकि पुष्कर नाम की एक जगह भी है, वो आपके अजमेर के पास पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। पुष्कर कहा जाता है, तालाब कहा जाता है, पोखरा कहा जाता है, ठीक है, जलाशय कहा जाता है, ठीक है, जलाशय कहा जाता है, ये सब किसके नाम है, सब तालाब के नाम है, ठीक है। इसी तरह से तालाब को तड़ाग भी कहते हैं, तड़ाग, ठीक है, तड़ाग भी कहते हैं, पद्माकर भी कहते हैं। तालाब को और क्या कहते हैं, लिख दीजिए, पद माने कमल होता है, जबकि पद्माकर का मतलब क्या होता है, पद्माकर तालाब को कहा जाता है, ठीक है। और पद्म किसे कहते हैं, परीक्षा में याद रखेगा, अगर पद्म शब्द दिया है तो पद्म किसे कहते हैं दोस्तों, पद्म जो शब्द है यह कमल के लिए यूज होता है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इसी तरह तम मतलब क्या होता है दोस्तों, तम, तम को कहा जाता है अंधेरा, क्या कहा जाता है, तम का मतलब क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, अंधेरा, तम का मतलब क्या हो जाता है, अंधकार हो जाता है। मैं अलग अलग ही दिशा में लिख रहा हूं, ठीक है, अंधकार ऐसे लिखिए और अंधेरा में ये चंद्रबिंदु लगाइए, ठीक है, अंधेरा कहा जाता है तम को दोस्तों। इसी तम से एक शब्द बना है तमिश्रा, क्या बना है, तमिश्रा, इसका मतलब भी दोस्तों अंधकार होता है, तमिश्रा, ठीक है। तमिश्रा से एक शब्द याद रखेगा तमस, तमस मतलब क्या होता है, अंधेरा होता है। एक और बढ़िया शब्द लिखेगा ध्वांत, क्या लिखेगा, ध्वांत, ध्वांत मतलब भी क्या होता है, अंधेरा होता है। कुछ तो नया मिले जीवन में तब तो मजा आए, हर बार वही घिसे पीटे सवाल होंगे तो काम कैसे चलेगा। तरु किसे कहते हैं दोस्तों, तरु का मतलब होता है पेड़ से, पेड़ को कहते हैं, या पेड़ को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वृक्ष कहते हैं, ठीक है, या पेड़ का मतलब क्या होता है दोस्तों, गाछ कहते हैं, गाछ, ठीक है, या पेड़ किसे कहते हैं दोस्तों, पेड़ द्रुम को कहा जाता है, ठीक है, या पेड़ के लिए दोस्तों एक पौधा शब्द, हालांकि छोटा होता तब उसे पौधा कहते हैं, ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। और पेड़ को क्या कहते हैं, इधर विटप कहते हैं, इधर क्या कहते हैं, एक आप पढ़ते हैं बायोलॉजी में पादप शब्द पढ़ते हैं, बॉटनी में ना, वनस्पति विज्ञान में पादप शब्द पढ़ते हैं, पादप मतलब भी क्या होता है, पेड़ होता है, ठीक है। चलिए इसी बहाने आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला दे रहा तरंग, तरंग को क्या कहते हैं, तरंग को ऐसे अपने भाषा में कहें तो लहर कहा जाता है। तरंग के लिए एक शब्द होता है वीची, क्या शब्द होता है, वीची, ठीक है, वीची शब्द होता है, वीची, ठीक है, वीची। तरंग के लिए एक शब्द होता है हिल्लोर, ठीक है, हिल्लोर, ठीक है, लहर हो गया, तरंग हो गया, वीची हो गया, हिल्लोर हो गया, और क्या आ रहा है भाई, उर्मी लिख लीजिए ना, एक शब्द होता है उर्मी, उर्मी मतलब भी क्या होता है दोस्तों, तरंग होता है, उर्मी, ठीक है, और उल्लोल भी लिख लीजिएगा, उल्लोल, उल्लोल, ठीक है, उल्लोल माने भी क्या होता है दोस्तों, उल्लोल और हिलोर, ये दोनों दोस्तों तरंग का पर्यायवाची है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, अगला दे रहा दोस्तों तोता को क्या कहा जाता है, तो तोता को क्या कहा जाता है दोस्तों, तोता को सुग्गा कहा जाता है, ठीक है, तोता को पीक बंधु कहा जाता है, पीक बंधु भी कहा जाता है और पीक प्रिय भी कहा जाता है, ठीक है, पीक, पीक प्रिय भी कहा जाता है, ठीक है। और तोता क्या कहते हैं, इसे दाड़िम प्रिय भी कहते हैं, दाड़िम प्रिय, दाड़िम, दाड़िम प्रिय भी कहते हैं, ठीक है, इसे, इसे और क्या कहते हैं, इसे रक्त तुंड भी कहा जाता है, ठीक है, वक्र तुंड नहीं, वक्र तुंड तो गणेश जी को कहा जाता है, उनका सूंड टेढ़ा होने की वजह से, ठीक है। इसे सुक भी कहते हैं, और लिखिए सुक, इसे कीर कहते हैं, कीर, कीर। तोता को क्या कहते हैं, कि हरा वाला तोता था ना, पैरट, ठीक है, उसे, उसकी बात कर रहा हूं, उसे कीर भी कहा जाता है। तो ये सब जो पर्यायवाची दोस्तों ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है, इसलिए विधिवत जो है इसको आप ढंग से याद कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह अगला सवाल दे रहा है तारा, तारा को दोस्तों क्या कहते हैं, तो तारा, तारा ऐसे जो इंग्लिश में, सर क्या यह स्टार की बात कर रहा है, हाँ यह स्टार की बात जरूर कर रहा है, लेकिन याद रखेगा इस तारे को हम नखत भी बुलाते हैं और इसी तारे को हम नक्षत्र भी बुलाते हैं, ठीक है,
हाँ, सूर्य भी एक तारा है, वो अलग चीज है, लेकिन यहां पर आप याद रखें, ठीक है। इसे उड्डगड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपके लिए बिल्कुल नया शब्द होगा, उड्डगड़ तो आपने आज तक पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है, उड्डगड़। ठीक है, इसे तारक भी कहते हैं। वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं, तारक। तारक का मतलब क्या होता है? तारा होता है, स्टार होता है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। दानव किसे कहते हैं भाई? दानव किसे कहते हैं? दानव राक्षस को कहा जाता है। दानव किसे कहा जाता है? असुर को कहा जाता है, ठीक है। दानव रात में चलते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? निशाचर कहा जाता है, ठीक है। और क्या कहा जाता है इन्हें? राक्षस, असुर, निशाचर, ठीक है। और क्या कह सकते हैं? अदेव तो होगा नहीं, ठीक है। और कुछ बोलिए, कुछ इनके नाम पर एक और लिखेगा दोस्तों, संबर। क्या कहते हैं? संबर भी कहते हैं, ठीक है। दैत्य हो गया, दैत्य नहीं लिखा, दैत्य भी लिख लीजिए, दैत्य, ठीक है। राक्षस को क्या कहते हैं? दैत्य भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, करें। यमुना को क्या क्या बुलाते हैं? यमुना को किस नाम से बुलाया जाता है भैया? तो यमुना को कृष्णा भी कहा जाता है, याद रखेगा, कृष्ण नहीं, कृष्णा। और ध्यान दीजिएगा, जो कृष्णा पर्यायवाची है, ये द्रौपदी का भी पर्यायवाची है। द्रौपदी को भी क्या बुलाया जाता है दोस्तों? द्रौपदी को भी कृष्णा बुलाया जाता है, और यमुना को भी कृष्णा बुलाया जाता है। और कृष्ण को कृष्णा नहीं, हरे राम हरे कृष्णा नहीं, हरे राम हरे कृष्ण। आप कृष्ण को याद करो, कृष्णा बोल दिए तब तो आप यमुना जी को याद करने लगे, द्रौपदी को याद करने लगे। आपको कृष्णा नहीं बोलना है, कृष्ण कहना है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से इन्हें रवि सूता भी कहते हैं। रवि की पुत्री थी ना, सूर्य पुत्री, ठीक है। सूर्य पुत्री होने की वजह से इसे रवि सूता कहते हैं। अब सूर्य को भानु कहते हैं, पुत्री को तनया कहते हैं, तो यहां भानु तनया बन गया। तो ज्यादातर पर्यायवाची में सूर्य की पुत्री इस शब्द का यूज होगा, ये या आप याद रखेंगे। बाकी नई पर्यायवाची चाहिए तो आप कालिंदी याद कर लीजिए, अर्कजा याद कर लीजिए। कालिंदी, कालिंदी हो गया, अर्कजा हो गया। अर्क माने सूर्य होता है, जा माने पुत्री होती है, ठीक है। तो अर्कजा हो गया, कालगंगा हो गया, कालिंदी हो गया, ठीक है। ये सब जो है इसके नाम है, ठीक है। और आगे बढ़ जाइए, कर। दिन को क्या कहा जाता है? तो दिन को क्या कहा जाता है दोस्तों? दिन को वासर कहा जाता है, दिन को दोस्तों दिवस कहा जाता है, दिन को दोस्तों अहन कहा जाता है। इसी से शब्द बना अहनु। अहनु पढ़ते आधा है, ह के नीचे हलन लगा दूं क्या? ये अहन। अहन मतलब क्या होता है? दिन होता है, ठीक है। इसी तरह वासर हो गया, दिन हो गया, दिवा माने भी होता है, दिवा भी, दिन, दिन, दिवा, वासर, दिवस, ये सब हो जाएगा, ठीक है, दिन के लिए हो जाएगा, याद रखेंगे। इसी तरह एक सवाल दे रहा है, नौका को क्या कहते हैं भैया? तो नौका को तरड़ी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों? नौका को तरड़ी कहते हैं। तरड़ी तनुजा तटतमाल ना, तो तरड़ी कहा जाता है नौका, नौका को। नौका को जलयान कहते हैं, नौका को ढ्योड़ी कहते हैं, नौका को नाव कहते हैं, नाव, नौका को जहाज कहते हैं। बोलिए, ये सब कहते हैं कि नहीं? नौका को बेड़ा कहते हैं, बेड़ा कहते हैं, तरी भी कहते हैं, बेड़ा कहते हैं, इसे तरी भी कहा जाता है, तरी, तरी भी कहा जाता है। इसे डोंगी कहा जाता है, डोंगी। इसे पतंग भी कहा जाता है, पतंग। पतंग कई को कहा जाता है? पतंग सूर्य को भी कहा जाता है। पतंग जो पर्यायवाची अनेकार्थी में आप पढ़ेंगे, पतंग सूर्य को भी कहा जाता है और पतंग नौका को भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको जो दिमाग में रखने की जरूरत है यहां पर, ठीक है। और आगे बढ़िए दोस्तों, कर। द्विज किसे कहते हैं दोस्तों? तो द्विज जो शब्द है ये ब्राह्मण को कहा जाता है, ठीक है। ऐसे द्विज देखेंगे तो द्विज जो है ये चंद्रमा को भी कहा जाता है, द्विज ब्राह्मण को भी कहा जाता है। द्विज का मतलब दोस्तों दांत भी होता है। क्या होता है? द्विज का मतलब दांत भी होता है, दांत, ठीक है। ये ऐसे नाम है, लेकिन यहां पर हम ब्राह्मण देख रहे हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी क्या हो गया? ज्ञानी हो गया, ठीक है। ब्राह्मण माने क्या हो गया? पंडित हो गया। ब्राह्मण माने क्या हो गया? कोविद, कोविड-19 मत कर देगा, कोविद, ठीक है, ये हो जाएगा। ये वेद का ज्ञानी होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वेद विद कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद विद कहते हैं। ये सब नाम हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, कर। दुख को क्या कहा जाता है? दुख, दुख को क्या कहा जाता है दोस्तों? दुख को पीड़ा कहा जाता है, दुख को कष्ट कहा जाता है, ठीक है। दुख को और क्या कह सकते हैं दोस्तों? पीड़ा कह सकते हैं, कष्ट कह सकते हैं, ठीक है। रोग तो अलग हो जाएगा, दुख को क्या कहते हैं भाई? कभी कभी इतना आसान दे देता है ना, लगता है कि बहुत आसान है, बहुत इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अगले क्षण लगता है कि मुख से आवाज ही नहीं निकल रहा, कुछ याद ही नहीं आ रहा, दिमाग एक पल के लिए शून्य हो जा रहा है, किसका जवाब क्या लिखा जाए। बहुत कठिन नहीं है, जरूरत से ज्यादा आसान होने की वजह से कलम रुक जा रही है ना, सोचते हैं। कर। दुख को और क्या कहते हैं? दुख का हो जाएगा पीड़ा कहते हैं, दुख को कष्ट कहते हैं, दुख को दर्द कह सकते हैं ना, दुख को क्या कह सकते हैं? दर्द कह सकते हैं। और बताइए, कुछ दिमाग पे जोर डालिए, दुख को दर्द कह सकते हैं, दुख को संकट कहते हैं क्या? शोक कह सकते हैं, शोक, ठीक है, शोक कह सकते हैं, संकट कह सकते हैं,
संकट थोड़ा थोड़ा सोचेंगे तो याद आता जाएगा धीरे धीरे, ये सब दुख का जो है पर्यायवाची हो सकता है। इसी तरह दुर्गा को दोस्तों क्या कहते हैं, तो दुर्गा को जगदम्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? जगत धन अम्बा बराबर क्या हो जाता है, जगदम्बा हो जाता है, जगदम्बा कहते हैं। ठीक है, दुर्गा को मीनाक्षी भी कहते हैं, मीनाक्षी मछली की तरह आंख वाली मीनाक्षी, ठीक है दुर्गा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों दुर्गा को क्या कहते हैं, एक बढ़िया बढ़िया पर्यायवाची बताइए। देखिए है तो अब ऐसे कहेंगे शेरावाली माता, ठीक है, तब तो ऐसे बहुत सारी जो है पर्यायवाचियां बन, मैं कुछ डिफरेंट चाह रहा हूं। ठीक है, ये कहते हैं, ये दुर्गा को भवानी भी कहते हैं, भवानी, भव का विपरीत लिंगी भवानी होता है। दुर्गा को धात्री भी कहते हैं, क्या कहते हैं, धात्री कहते हैं। दुर्गा को कल्याणी कहते हैं, क्या कहते हैं, कल्याणी, ठीक है कल्याणी। ये सब दोस्तों दुर्गा जी के नाम हैं, इसे आप याद रखेंगे। इसी तरह दूध को क्या कहते हैं, दूध को, तो दूध को क्या बुलाते हैं दोस्तों, दूध को दुग्ध बुलाते हैं, दूध को क्षीर भी बुलाते हैं। देखिए क्षीर माने पानी भी होता है, क्षीर माने अमृत भी होता है, और क्षीर माने दुग्ध भी होता है। ठीक है, दूध क्योंकि गाय से निकलता है इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे गोरस भी कहते हैं। ठीक है, दूध को दोस्तों अस्तन्य भी कहते हैं, अस्तन से निकलने के कारण इसे अस्तन्य भी कहा जाता है। ठीक है, इसे पय कहा जाता है, इसे पय भी कहते हैं, इसे पीयूष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पय भी इसी को बोलते हैं, पीयूष भी इसी को बोलते हैं। तो ये सब दोस्तों दूध का पर्यायवाची हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या दे रहा है दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है देवता को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देवता का क्या हो जाएगा दोस्तों, देवता को सुर कहते हैं, जैसे राक्षस को असुर कहते हैं ऐसे देवता को सुर कहते हैं। ठीक है, देवता को देव कहते हैं, देवता को गीरवाड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, गीरवाड़ कहते हैं। ठीक है, देवता को क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा पर्यायवाची है गीरवाड़। ठीक है, और देखिए बहुत अच्छा यार, निर्झर, निर्झर देवता, निर्झर एक झरना भी होता है, और एक निर्झर दोस्तों किसे कहते हैं, निर्झर देवता को भी कहा जाता है। ठीक है, निर्झर नहीं बल्कि निर्झर कहा जाता है, निर्झर कर देंगे तो झर माने झरना हो जाता है, ये निर्झर होता है, निर्जर जर। ठीक है, इसी तरह एक पर्यायवाची और आता है विबुध, क्या आ जाता है दोस्तों, विबुध। ठीक है, विबुध किसे कहते हैं, यह भी देवता को कहा जाता है। त्रिदश किसे कहते हैं, यह भी देवता को कहा जाता है, त्रिदश। ठीक है, त्रिदश, ठीक है, एक त्रिकालदर्शी वो शिव को कहा जाता है, त्रिनेत्र, शिव त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्रों को धारण करने वाले वो शिव हैं, लेकिन ये त्रिदश है, त्रिदश जो है ये देवता का पर्यायवाची है। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, अच्छे से समझते चलिएगा। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए हमने किताब लॉन्च किया है। ठीक है, ये किताब दोस्तों बहुत मेहनत से, बहुत शालीनता से लिखी गई है, एक एक किताब अपने आप में बहुत ही शानदार है। इसी क्रम में हिंदी की जो किताब है दोस्तों, आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, कुल 6000 सवालों के साथ ये किताब जो अवेलेबल है। आप चाहें तो ऑनलाइन परचेज करेंगे तो सीधे आपके घर डिलीवर्ड हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है, डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, आप कॉल कीजिए, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए कि सर किताब कैसे लिया जाए, आपको हमारी टीम गाइड कर देगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पर आया जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, करा द्रौपदी को क्या कहते हैं। अब द्रौपदी को अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि द्रौपदी को क्या कहते हैं दोस्तों, द्रौपदी को कृष्णा कहते हैं। क्या कहते हैं, कृष्णा, कृष्ण अपनी बहन मानते थे द्रौपदी को, इसलिए इन्हें कृष्णा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या कहा जाता है दोस्तों द्रौपदी को, द्रौपदी को द्रुपद नंदिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्रुपद नंदिनी, ये राजा द्रुपद की क्या थे दोस्तों, पुत्री थी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, द्रुपद नंदिनी भी कहा जाता है। ठीक है, द्रुपद नंदिनी, अब नंदिनी मतलब पुत्री होता है, तो एक और पर्यायवाची याद रखेगा, द्रुपद सुता, सुता मतलब क्या हो गया, पुत्री हो गया। ठीक है, तो जैसे द्रुपद नंदिनी हो सकता है, ऐसे द्रुपद सुता हो सकता है, द्रुपद तनया हो सकता है, ये सब, ये पांचाल देश की रहने वाली थी, इसलिए इन्हें पांचाली की भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें याज्ञसेनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याज्ञसेनी। ठीक है, याज्ञसेनी भी कहा जाता है, पांचाल के होने की वजह से इन्हें पांचाली कहा जाता है। जैसे जनकपुर की रहने वाली को जानकी कहा जाता है, जानकी किसे कहते हैं, माता सीता को। ठीक है, उसी तरह से यह भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए, करा दर्पण का पर्यायवाची क्या है। अब बच्चा बच्चा एक ही जानता है कि सर दर्पण को सीसा कहा जाता है, दर्पण को मिरर कहा, लेकिन मिरर तो अंग्रेजी शब्द है, हमें तो हिंदी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा शब्द क्या हो सकता है, दर्पण को क्या कहते हैं, आईना कहते हैं। आप कहते हैं ना कि आईना दिखा दो, ठीक है, तो दर्पण को आईना कहते हैं, दर्पण को प्रतिमान कहते हैं। ये आपको नहीं पता था, लेकिन कोई बात नहीं, नई नई चीजें भी आपको जाननी, तो दर्पण को प्रतिमान भी कहा जाता है, दर्पण को आरसी भी कहा जाता है, आरसी ऐसे लिखते हैं, आरसी, हाँ, दर्पण को आरसी भी कहा जाता है, दर्पण को मुकुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुकुर, क्या कहा जाता है दोस्तों दर्पण को, दर्पण को मुकुर भी कहा जाता है, मुकुर, हाँ
मुकुटा नहीं, मुकुट तो सर पे धार किया जाता है ना, ये मुकुर लिखा हुआ, मुकुर ये भी कहा जाता है। अच्छा चोर को क्या क्या बुलाते हैं बताइए, चोर को, तो चोर को क्या बुलाते हैं दोस्तों, चोर को बुलाते हैं दस्यु, क्या बुलाते हैं, चोर को दस्यु कहा जाता है, चोर को खनक कहा जाता है, चोर को तस्कर कहा जाता है, तस्कर आप कहते हैं ना तस्करी में बहुत सारे लोग पकड़े गए, तस्कर कहा जाता है चोर को, और क्या कहा जाता है, दस्यु हो गया, खनक हो गया, तस्कर हो गया, एक मोशक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मोशक, 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 और क्या कहा जाता है दोस्तों, और एक शब्द याद रखेगा कुंभिल, कुंभिल, चोर को क्या कहते हैं दोस्तों, चोर को कुंभिल भी कहते हैं, खनक लिख दिया ना, खनक हो गया, ये सब दोस्तों चोर का पर्यायवाची। इसी तरह धन, धन का पर्यायवाची क्या है, धन का, तो धन को क्या क्या कहते हैं दोस्तों, तो धन के लिए एक शब्द होता है द्रव्य, हाँ द्रव नहीं, द्रव तो लिक्विड को कहा जाता है, द्रव्य मतलब धन होता है, ठीक है, द्रव्य का मतलब क्या हो जाता है, धन होता है, अर्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों, धन होता है, संपदा का मतलब क्या होता है दोस्तों, धन होता है, रिद्धि सिद्धि का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिद्धि सिद्धि, ठीक है, क्या शब्द है, एक शब्द आता है रिद्धि, रिद्धि सिद्धि, ठीक है, रिद्धि सिद्धि, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये भी धन को दिखाता है, ठीक है, या फिर और जो आप अपनी भाषा में बोलते हैं कि हमने बहुत दौलत कमाया, हमने बहुत पैसा कमाया, ठीक है, तो दौलत पैसा, या हमने बहुत माल कमाया है, माल ना, माल मतलब धन, मुद्रा, मुद्रा भी लिख दीजिए आप, ठीक है, धन को और क्या कहते हैं दोस्तों, मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है, मनी, मुद्रा को मनी कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये धन का पर्यायवाची हो जाएगा। ध्वज का दोस्तों लिख रहा, ध्वज का तो हम लोग लिख चुके हैं पीछे ना, चलिए ध्वज को क्या क्या कहते हैं दोस्तों, ध्वज को झंडा कहते हैं, ध्वज को ध्वजा कहते हैं, ध्वज को केतु कहते हैं, ध्वज को पताका कहते हैं, ध्वज को निशान कहते हैं, इसमें तो ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो आप बता ही लेंगे, ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया। आगे देखिए दोस्तों, करण नदी को क्या बुलाते हैं, नदी, नदी को दोस्तों क्या कहते हैं, नदी को सरिता कहते हैं, ठीक है, नदी को सरिता कहा जाता है, नदी को कूलंकषा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कूलंकषा, ठीक है, नदी को निम्नगा कहते हैं, निम्नगा, हाँ निम्नगा, अपगा, ये सब दोस्तों नदी को कहते हैं ना, कल्लोलिनी, निम्नगा, अपगा, अपगा, कल्लोलिनी, कल्लोलिनी, ठीक है, कल्लोलिनी, ये किसे कहते हैं दोस्तों, ये सब नदी का पर्यायवाची है, ठीक है। इसी तरह नरक को क्या कहते हैं, नरक बताइए, लोग कहते हैं नरक में चले जाओ, नरक दोस्तों किसे कहते हैं, जहन्नुम को कहते हैं, किसे कहते हैं, जहन्नुम को क्या कहते हैं, नरक कहते हैं, ठीक है, नरक जहन्नुम को कहते हैं, या फिर दोरख को कहते, दोखज, दोखज, दोजक, दोजक कहते हैं, नहीं दोजक कहते हैं, हाँ दो ज ख, दोखज मत बोलिएगा, दोजक कहिएगा, ये आपको नहीं पता होगा लेकिन याद रखे, दोजक, दोजक भी कहते हैं, या फिर यम धन आलय बराबर यमालय हो जाता है, क्या हो जाता है, यमपुरी या यमालय, ठीक है, यमपुरी या यमालय, ये भी दोस्तों किसे कहा जाता है, नरक को कहा जाता है, यमपुरी, यमपुर, ठीक है, ये सब दोस्तों नरक का ही नाम है, ठीक है। अच्छा नष्ट के लिए एक शब्द बताइए, नष्ट, आप कहते हैं ना कोई चीज नष्ट हो गई, नष्ट मतलब क्या हो गई, खत्म हो गई, खत्म मतलब क्या हो गई, समाप्त हो गई, तो इसके लिए और दो चार पर्यायवाची बताइए कि नष्ट को हम क्या क्या कह सकते हैं, आप कहते हैं बर्बाद हो गया, कोई चीज क्या हो गया, बर्बाद हो गया, आप कहते हैं सर चौपट हो गया, मन वाली बात है कि आपके मन में क्या क्या इससे संबंधित आ सकता है, ठीक है, आप कहते हैं सर ध्वस्त हो गया, आप कहते हैं सर टूट फूट गया ना, टूटा फूटा, टूट फूट, ठीक है, ये सब दोस्तों किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ये सब नष्ट होने की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं दोस्तों, तो इसे भी आप याद रखेंगे। कई बार एक शब्द हम पढ़ते हैं नाजुक, नाजुक मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, नाजुक, नाजुक मतलब क्या हो जाता है, नरम हो जाता है, क्या हो जाता है, नरम, नरम का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, कोमल हो जाता है। इसी तरह एक हम शब्द पढ़ते हैं मसृढ़, मसृढ़, मसृढ़ का उल्टा होता है रूक्ष, मसृढ़ मतलब मुलायम होता है, तो वही नाजुक हो गया, कोमल हो गया, इसी को हम क्या कह सकते हैं, मुलायम, नाम मुलायम लेकिन इरादे लोहा है, ठीक है, वही वाला मुलायम। आगे देखिए इसे सुकुमार भी कहते हैं, ठीक है, सुकुमार ही आगे चल के सुकुवार बन गया ना, इसे स्निग्ध भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्निग्ध, आधा न फिर आधा ग फिर ध, स्निग्ध भी कहते हैं, ये सब हो जाएगा। इसी तरह जिस तरह से आपने युवती का पढ़ा था ना पर्यायवाची, उसी तरह से नारी का पर्यायवाची आपको बताना है, ठीक है, नारी, नारी को क्या कहते हैं दोस्तों, नारी को स्त्री कहते हैं, नारी को महिला कहते हैं, बताइए, ये तो वो चीजें हैं जो आप बुलाते हैं, इसके अलावा वो शब्द जो आप नहीं बुलाते लेकिन नारी के लिए दोस्तों यूज किया जाता है, एक होता है दोस्तों वामा, एक होता है दोस्तों वनीता, क्या होता है, वनीता, एक होता है दोस्तों वामा हो गया, वनीता हो गया, और क्या हो गया बताइए,
औरत नहीं लिखा मैंने यार, औरत हो गया, ठीक है। तो ये सब शब्द आप याद रखेगा, ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये नारी का पर्यायवाची, नारी यानी स्त्री का पर्यायवाची है दोस्तों, इसे आप याद रखेगा, ठीक है। निकेतन किसे कहते हैं भैया? निकेतन घर को कहा जाता है, घर, घर यानी गृह, गृह यानी आलय, आलय यानी धाम, धाम यानी मंदिर, धाम यानी मंदिर, ठीक है, मंदिर यानी निकेतन। ये सब दोस्तों किसके नाम है? ये हो गया, इसी तरह आलय लिख दिया है ना, हो गया। मकान लिख लीजिए, आवास लिख लीजिए, मकान, इसी तरह आवास भर दीजिए लिख लिख कर भाई, ठीक है। ये सब दोस्तों किसके पर्यायवाची है? ये घर का पर्यायवाची, घर यानी निकेतन का पर्यायवाची है। अच्छा, कई बार आप लोग कहते हैं कि नियति में सर लिखा ही नहीं कि हम कुछ बन पाए, नियति में ये चीज नहीं लिखा। नियति मतलब क्या हो गया है? आप कहते हैं हमारी नियति, नियति का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है नियत, नियत मतलब कंफर्मेशन की आप बात करें, जबकि नियति जो शब्द है ये आपके किसको दर्शाता है दोस्तों? ये आपके भाग्य को दर्शाता है। नियति मतलब क्या हो जाता है? भाग्य हो जाता है, भाग्य। या फिर नियति को हम क्या कहते हैं? प्रारब्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारब्ध। क्या कहते हैं? ये शब्द आपने सुना होगा प्रारब्ध, लेकिन इसका मतलब नहीं पता होगा कि नियति इसी को कहते हैं, ठीक है। या फिर कहते हैं विधि का विधान ना, तो विधि भी हो जाता है। या फिर आप कहते हैं भावी समय में ऐसा होना है, तो भावी जो है वो भी नियति को दर्शाता है। या दैव्य लिखते हैं शब्द, दैव्य। या फिर एक शब्द लिखते हैं होनी को कौन टाल सकता है, तो होनी यानी नियति को कौन टाल सकता है? होनी यानी नियति। बात को समझिए, सवाल आता कहां से, तुरंत दिमाग पे क्लिक करना चाहिए सब बातें, ठीक है। अगले सवाल पर आइए दोस्तों, अगला सवाल क्या दे रहा है? कह रहा है निर्णय का पर्यायवाची बताइए। आप कहते हैं सर हमने बहुत बड़ा निर्णय ले लिया अपने जीवन में कि हम कुछ बनकर ही अपने घर वापस लौटेंगे, इसका मतलब आपने निर्णय कर लिया, यानी आपने क्या कर लिया है? निश्चय कर लिया है कि नहीं आप कुछ बनेंगे तभी आप जाएंगे, अन्यथा आप नहीं जाएंगे। यही आपका क्या है? आखिरी फैसला है। तो आप क्या कर सकते हैं? यही फैसला हो गया या यही परिणाम है, ठीक है। इसी को क्या कह सकते हैं? परिणाम, ठीक है, परिणाम, ठीक है। तो फैसला शब्द हो गया, परिणाम शब्द हो गया, निश्चय शब्द हो गया, निष्कर्ष शब्द हो गया, निचोड़ शब्द हो गया, ठीक है। निष्कर्ष हो गया, निचोड़ शब्द हो गया, ये सब किसे डिनोट करता है दोस्तों? ये निर्णय को डिनोट करता है, ठीक है, निर्णय, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द दे दिया दोस्तों, निष्ठा, कि हमारी भगवान में निष्ठा है, हमारी पढ़ाई के प्रति निष्ठा है, हमारी ईमानदारी में निष्ठा है। निष्ठा मतलब आपकी श्रद्धा है उस चीज में, ठीक है। निष्ठा किसे बताती है? यह श्रद्धा को बताती है। निष्ठा किसे बताती है? यह आपके आस्था को बताती है, कि आपका आस्था, आपका मन कहां लगा हुआ है। यह आपके विश्वास को बताती है, यह आपके यकीन को बताती है, ठीक है। विश्वास, यकीन, ठीक है, यकीन, ठीक है। यही क्या होता है दोस्तों? ये किसका पर्यायवाची है? ये निष्ठा का पर्यायवाची है, ठीक है। इसी तरह से नैसर्गिक, नैसर्गिक के लिए एक शब्द बताइए। नैसर्गिक, नैसर्गिक नेचुरल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नेचुरल यानी प्राकृतिक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्राकृतिक, ठीक है। प्राकृतिक यानी इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इंग्लिश में इसे कहते हैं नेचुरल, ठीक है, नेचुरल। एक इसी का अपोजिट आप पढ़ते हैं कृत्रिम, कृत्रिम अलग हो जाएगा। कृत्रिम मतलब जो मानव निर्मित हो, नैसर्गिक या प्राकृतिक मतलब जिसका निर्माण प्रकृति ने किया हो, ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर इसे आप स्वाभाविक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्वाभाविक, ठीक है, स्वाभाविक। किसे कहा जाता है दोस्तों? ये भी नैसर्गिक को ही कहा जाता है। या फिर वास्तविक आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वास्तविक बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये नैसर्गिक यानी प्राकृतिक यानी नेचुरल का पर्यायवाची, ठीक है। मैं कोई स्पीड में नहीं चल रहा हूं ना, समझ में देखिए आना चाहिए कुल मिला जुला कर, ठीक है। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जहां आपको समय देना पड़ेगा, अगर आप समय नहीं देंगे ना आप सीख नहीं पाएंगे। और मेरी क्लास ना थोड़ी सी गंभीर स्वभाव वाली क्लास होती है, आदत में मेरी है, मैं ज्यादा हंसी मजाक नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि बस कुछ बनना है तो आपके दिमाग में सारी बातें होनी नहीं चाहिए कि यार हमें उठ पटा, कितना मोटिवेशन आपको चाहिए समझ में नहीं आता, ठीक है। खैर आइए अपने मुद्दे की बात करते हैं। पंकज, पंकज किसे कहते हैं दोस्तों? पंकज कमल को कहते हैं, पंकज राजीव को कहते हैं, पंकज अरविंद को कहते हैं। या फिर आप जल की पर्यायवाची के साथ अगर ज शब्द लगा दिए, जैसे जलज शब्द हो गया, जैसे नीरज शब्द हो गया, जैसे तोयज शब्द हो गया, तो भी दोस्तों यहां पर आप बना सकते हैं। एक और लिखेगा पंकज के लिए दोस्तों, पुष्कर भी होता। अभी आपने पीछे पढ़ा था कि सर पुष्कर तालाब को कहते हैं, लेकिन उसके अलावा पुष्कर जो शब्द है ये पंकज यानी कमल को भी कहा जाता है, याद रखेगा। पुंडरीक दोस्तों भगवान विष्णु के द्वारा धारण किया जाने वाला दोस्तों पुष्प है, ठीक है, कमल है, याद रखेंगे। इसे सरसिज भी कहा जाता है क्योंकि यह सरोवर में पैदा होता है, ठीक है, तालाब में, इसलिए इसे सरसिज भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा पटु माने क्या होता है बताइए? पटु किसे कहते हैं? पटु, पटु का मतलब होता है दोस्तों चालाक,
आप कहते हैं वाक पटु, बातों में चालाक, ठीक है। तो पटु किसे कहते हैं दोस्तों? चालाक को कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या कह सकते हैं? इसके लिए और शब्द बताइए पटु, पटु के लिए बताइए चालाक शब्द हो गया। बहुत अच्छा लाइन है भाई, बहुत बढ़िया शब्द है कि याद नहीं आ रहा है। पटु मतलब चालाक हो गया, किसी चीज में रब्द रहना, लगे रहना। रब्द नहीं बोल सकते उसको हम, रब्द का मतलब लगे रहना हो जाएगा। पटु का मतलब बताइए भाई क्या हो सकता है? अरे नहीं बोलते हैं कि वो किसी चीज में बहुत निपुण है, निपुण बोल सकते हैं, निपुण, निपुण बोल सकते हैं। और प्रवीण बोल सकते हैं, प्रवीण। या फिर एक शब्द है देखिए, दक्ष भी बोल सकते हैं ना, ये सब पर्यायवाची में आएगा। दक्ष बोल सकते हैं आप, कुशल बोल सकते हैं, कुशल। आप होशियार बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? होशियार। देखिए जो बहुत आसान आसान है ना, वहां थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। पर्वत उर्वत पवन पक्षी सब याद है। अब वही देखिए प्राकृतिक का पूछा, दिमाग में पांच आ ही नहीं रहा, कहां से बताएं? मुझे पता, मैंने तीन ही बताया। नैसर्गिक का तीन पर्यायवाची बताया, प्राकृतिक बताया, वास्तविक बताया ना, नेचुरल बताया, सब बताया, लेकिन पांच नहीं चढ़ रहा दिमाग में। बहुत आसान है, जो चीजें बहुत आसान होती है ना वो थोड़ी सी कठिन लगती है बोलने में। पर्वत औरत देखिए, पर्वत को कौन नहीं जानता? पर्वत कोई हिला नहीं सकता, इसलिए पर्वत को अचला कहते हैं। क्या कहते हैं? अचला, ठीक है, अचल, अचला, ठीक है, याद रखेंगे। इसे अचल है ना, पर्वत अचल है, अचल कहते हैं। अचला पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाता है। पर्वत दोस्तों पहाड़ को कहते हैं। पर्वत दोस्तों, पर्वत का एक मतलब नाग भी होता है, नग भी होता है, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों? पर्वत को महीधर कहते हैं, पर्वत को भूधर कहते हैं, ठीक है, पर्वत को सैल कहते हैं। सैल वैसे पत्थर को भी कहा जाता है, लेकिन पर्वत को भी कहा जाता है, ठीक है, सैल। इसके अलावा दोस्तों पर्वत को गिरी कहते हैं, पर्वत को मेरु कहते हैं, मेरु, ठीक है। ये सब दोस्तों पर्वत का पर्यायवाची। इसी तरह पवन का पर्यायवाची बच्चा बच्चा जानता है, बता भी सकते हैं आप, ठीक है। पवन का क्या हो जाएगा दोस्तों? पवन हवा को कहा जाता है, पवन वायु को कहा जाता है, पवन मारुति को कहा जाता है, मारुति, मारुत या मारुति, ठीक है, इसको कहा जाता है। पवन अनिल को कहा जाता है, अनिल, अनिल मतलब आग हो जाता है। और अनिल किसे कहा जाता है? पवन को कहा जाता है। जैसी बहे बयार, बयार कहा जाता है। पवन को प्रकंपन कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकंपन कहते हैं। ये सब दोस्तों पवन यानी हवा का नाम है। समीर कहते हैं, समीर, ठीक है, समीर, जल समीर, स्थल समीर, पढ़ा है ना। इसी तरह पक्षी को क्या क्या बुलाते हैं भाई? तो पक्षी को बुलाते हैं क्या? पक्षी को खग कहते हैं, क्या कहते हैं? खग कहते हैं। पक्षी को विहग कहते हैं, पक्षी को क्या कहते हैं दोस्तों? खग, विहग, ठीक है। पक्षी नभ में उड़ता है, इसलिए इसे नभचर कहते हैं। पक्षी को खेचर भी बुलाते हैं, देखिए नभचर भी बुलाते हैं और खेचर भी बुलाते हैं, ठीक है, ये दोनों हो जाता है। पक्षी को पतंग भी कहते हैं, पक्षी को शकुंत भी कहते हैं। देखिए पीछे आपने पतंग मैंने क्या पढ़ा था, पतंग सूर्य को भी कहते हैं और पतंग नाव को भी कहते हैं, याद रखेंगे। जो पतंग शब्द है ये किसे कहते हैं? पतंग सूर्य को भी कहते हैं और पतंग नाव को भी कहते हैं, ये भी पढ़ा था। और अभी क्या पढ़ रहे हैं कि पतंग पक्षी को भी कहते हैं ना, तो ये सब आप याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है अनिवार्य। अनिवार्य मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? देखिए अनिवार्य ऐच्छिक को नहीं, ऐच्छिक मतलब आपकी इच्छा पर, ऐच्छिक का विपरीत क्या होता है? अनिवार्य, कि नहीं आपको एक काम करना ही करना है, ठीक है, तो उसे आप अनिवार्य कहते हैं। तो अनिवार्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? देखिए अब कितना आसान शब्द दिया है, लेकिन सच बताया तो दिमाग में नहीं आ रहा है, एक पर्यायवाची भी मेरे दिमाग में नहीं आ रही। अब जब तक सोचेंगे नहीं तब तक दिमाग काम नहीं करेगा। आप बताइए, अनिवार्य है आसान सा शब्द, लेकिन अब जब इस तरह के बहुत आसान शब्द आ जाते हैं ना, तो जानिए परीक्षा में ना वही आसान वाले हमको कठिन लगने लगते। मुझे, मैंने क्या कहा आपसे शुरू में, कहा ना कि पर्यायवाची अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है यार, सोचना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है सोचिए, अनिवार्य का क्या हो सकता है? अनिवार्य का कुछ लगाइए, दिमाग पे जोर डालिए, अनिवार्य का क्या हो सकता है? अनिवार्य, अपरिहार्य लिख सकते हैं क्या? अपरिहार्य लिख सकते हैं ना, अपरिहार्य, ठीक है। जैसे नहीं कहते हैं अपरिहार्य, यहां मतलब पहुंचना आवश्यक, आप टाल मटोल नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर अवश्यंभावी कह सकते हैं, अवश्य, अवश्यंभावी, ठीक है, अवश्यंभावी। या फिर नितांत शब्द बोल सकते हैं, आप कहते हैं नितांत आवश्यक है, आवश्यक भी बोल सकते हैं ना, आवश्यक, ठीक है। या अत्यावश्यक भी बोल सकते हैं, अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक बराबर क्या हो जाएगा? अत्यावश्यक हो जाएगा, ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों? ये सब अनिवार्य का हो जाएगा। इसी तरह परिवर्तन के लिए एक शब्द बताइए, परिवर्तन। परिवर्तन के लिए क्या कर सकते हैं? फेर बदल कर सकते हैं, फेर बदल, ठीक है। इंग्लिश में जैसे चेंजेस कहते हैं, हिंदी में क्या कर सकते हैं? फेर बदल कर सकते हैं। या अदला बदली कर सकते हैं, अदला, अदला
बदली, ठीक है, या फिर तब्दीली बोल सकते, तब्दीली, तब्दीली मतलब किसी चीज का चेंज हो जाना, तब्दीली को बताता है, ठीक है, या फिर बदलाव को बोल सकते हैं, बदलाव यानी परिवर्तन यानी चेंजेस, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इसी तरह पवित्र को क्या कहेंगे भैया, ये धरती बड़ी क्या है, पवित्र है, पवित्र मतलब पावन, ठीक है, पवित्र मतलब क्या हो गया, पावन, ठीक है, और क्या कह सकते हैं दोस्तों, पवित्र। इसी तरह एक शब्द हम पढ़ते हैं म्लान, म्लान दोस्तों गंदगी को बोला जाता है, ठीक है, उसी से निकाल दीजिए साफ या पुनीत शब्द निकाल दीजिए, पुनीत, पुनीत हो गया, या फिर साफ हो गया, या फिर शुद्ध शब्द हो गया, या फिर विशुद्ध शब्द हो गया, शुद्ध कहिए, विशुद्ध कहिए, साफ कहिए, पुनीत कहिए, सूचि कहिए, सूची, सूची, ठीक है, सूची, ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची दोस्तों, ये सब पवित्र का पर्यायवाची है। इसी तरह पार्वती को क्या कहते हैं दोस्तों, पार्वती जी को क्या क्या कहते हैं, तो पार्वती को क्या कहते हैं दोस्तों, पार्वती शैल की पुत्री थी, इन्हें शैलजा कहते हैं, ठीक है, पार्वती को दोस्तों भवानी कहते हैं, पार्वती को दोस्तों गिरिजा कहते हैं, गिरी मतलब पर्वत होता है, गिरिजा पार्वती को कहा जाता है, ठीक है, पार्वती को और क्या कहते हैं दोस्तों, ये माता पार्वती जो थी शिव की पत्नी थी, तो उससे भी बना सकते हैं उमा, गौरी, भवानी, ये सब इन्हीं को कहते हैं, उमा कहते हैं, गौरी कहते हैं, भवानी, भवानी तो लिख दिया, भवानी दुर्गा को भी कहते हैं, पार्वती को भी कहते हैं, दोनों में लिखेगा, ठीक है। माता सती, सती भी किसका रूप थी, पार्वती का रूप थी, ठीक है, तो सती भी हो जाएगा यहाँ पे जवाब। अच्छा पुत्र को क्या कहते हैं, किसे दे दिया दोस्तों, पुत्र शब्द दे दिया, पुत्र को क्या कहते हैं, तो पुत्र को बेटा कहते हैं, ठीक है, पुत्र को क्या कहते हैं, बेटा कहते हैं, और क्या कहते हैं, पुत्र को सुपुत्र कहते हैं, सुंदर पुत्र, ठीक है, और क्या कहते हैं, पुत्र को कुमार भी बोल सकते हैं, ठीक है, पुत्र को और क्या कहते हैं, आत्मज कहते हैं, क्या कहते हैं, आत्मजा पुत्री को कहते हैं, आत्मज इसे कहते हैं, दुहिता पुत्री को कहते हैं, दुहित मत लिखिए, ठीक है, आत्मा सुत माने पुत्र हो सकता है, सुत, सुत किसे कहते हैं दोस्तों, सुत भी पुत्र को कहते हैं, ठीक है, या फिर तनय, तनया हो जाता है ना, तनय पुत्र को कहते हैं और तनया पुत्री को कहते हैं, ठीक है, पुत्र को पूत भी कहते हैं, पुत्र को औरस भी कहते हैं, औरस, ठीक है, औरस, ठीक है, पुत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, औरस कहते हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल है ना, आगे बढ़ाया जाए, अगले सवाल पर आया जाए, चलिए ध्यान दीजिएगा, ओहो सवाल ही समाप्त हो गया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, याद रखें दोस्तों, जो बच्चे जानते हैं कि नितिन सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो आप नितिन सर की जीएस वाली क्लास शायद नहीं देखते, देखिए आकर के, जीएस वाली क्लास दोस्तों सुबह के 9 बजे चलती है, बहुत कमाल की क्लास है, अब तक एंशियंट, मिडावल, मॉडर्न, ये तीनों दोस्तों 150 लेक्चर मैंने पढ़ा के समाप्त कर दिया। उसी तरह से कंप्लीट संविधान की क्लास आपको 80 लेक्चर में पढ़ा दिया गया, 80 लेक्चर में पूरा संविधान पढ़ाया गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोस्तों कुल 100 लेक्चर में पढ़ा के समाप्त किया गया, और अब इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। ये सीरीज पूरी तरह से निःशुल्क है, आप YouTube पर विजिट करके आप इसका वीडियोस देख सकते हैं, बहुत कमाल की सीरीज है, बहुत मजा आएगा अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है, आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, 1 डे एग्जाम, 2 डे एग्जाम, ठीक है, यानी सिविल एग्जाम, ठीक है, जिसमें परीक्षा का स्टेप दोस्तों कई भागों में बटा होता है, तो आप कोई भी परीक्षा दीजिए, ये बेसिक है, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। और PDF अगर आपको चाहिए तो पीछे भी बहुत सारी क्लासेस के PDF आपको अवेलेबल करा दिए। आज हमारा पहला लेक्चर नहीं था, ये समीक्षा अधिकारी का देखा जाए दोस्तों, तो आज हमारा 80 नंबर का लेक्चर था, वो भी खाली हिंदी विषय में, देखिए हिंदी विषय में आज हमारा कौन सा लेक्चर था दोस्तों, 80 नंबर का लेक्चर था। अब अगर आपने इसे भी नहीं देखा तो फिर क्या देखा, ठीक है, आइए जुड़िए साथ में, पढ़िए, बहुत विधिवत पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, बहुत मजा आएगा पढ़कर, और एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, मैं इतने विस्तार में पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।